नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स मैटिक में। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अगारो कंपनी के दो मोनोपॉड का। तो दोस्तों, इसमें से एक जो मोनोपॉड है वो हाइट में 67 इंचेस है। यह सिर्फ एक्सटेंडेबल रॉड है, उसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं आती है और नीचे स्पाइक आता है। और ये जो दूसरा यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है, इसमें एक फ्लूइड हेड भी ऊपर आता है और नीचे ट्राइपॉड भी आता है, जिससे हम इस मोनोपॉड को खड़ा भी रख सकते हैं। इस मॉडल की जो मैक्सिमम हाइट है वो 57 इंचेस की है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 2500 के आसपास मिलती है, जबकि ये मॉडल हमें 1000 रुपये के आसपास मिलती है। तो अब मैं इन्हें बॉक्स के बाहर निकालता हूँ और हम देखते हैं कि इनके साथ हमें क्या क्या मिलता है और किस कंडीशंस के लिए कौन सी अच्छी है। दोनों ही मोनोपॉड्स को अपने पैकेजिंग के बाहर निकाला है। जो 1000 रुपीज़ की मोनोपॉड है उसकी असेंबली काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें सिर्फ हमारा मोनोपॉड मिलता है और ये एक क्लिप मिलता है, जिससे कि आपके सेलफोन को इसके साथ यूज़ कर सकते हो। अगर हम हमारा दूसरा मॉडल देखें तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। ये फ्लूइड हेड है जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। उस फ्लूइड हेड का हैंडल है, उसकी ट्राइपॉड आती है अलग से जो हम उसे लगा सकते हैं, और अगर हमें ट्राइपॉड नहीं चाहिए कुछ सिचुएशंस में तो इसको ये रबर बुश भी आता है तो हम उसे भी नीचे लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ भी सेम क्लैंप आता है और दोनों के साथ उनकी कैरी केस आती है। तो आइए हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं। हमारे दोनों ही मोनोपॉड ये एल्यूमिनियम से बने हैं, तो ये लाइट वेट है लेकिन उसी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो छोटी मोनोपॉड है, जो ये रही, इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 3 किलो की है और इसका अपना वेट 0.36 केजीज है, तो ये काफ़ी लाइट वेट है। यहाँ पे फ्रंट साइड पे जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं उसे काफ़ी अच्छी फोम ग्रिप दी है उन्होंने और ये होल्ड करने में काफ़ी अच्छा फील देती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा स्टैंडर्ड कैमरा माउंट का स्क्रू दिया है जो 1/4 इंच है, और यहाँ पे हमारा DSLR कैमरा, जैसे कि ये मेरा कैनन, वो आसानी से फिट हो जाता है। यहाँ पे नीचे उन्होंने क्विक रिलीज लॉक्स दिए हैं, जिससे कि आप इसे आसानी से हाथ से खोल के जितना चाहे उतना एक्सटेंड करके इन्हें वापस लॉक कर सकते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रांगली लॉक हो जाते हैं, तो इन लॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 3 उन्होंने आर्म्स दिए हैं, ये बीच का आर्म है, ये ऊपर के साइड का आर्म है, और अगर हम आखिरी खोले तो ये आर्म है, और अगर मैं सारे आर्म्स को एक्सटेंड कर दूं तो ये इसकी पूरी हाइट है और ये 67 इंचेस है, तो ये काफ़ी लंबी है। उसी तरह से अगर मैं ये कैमरा यहाँ पे लगा के इस तरह से इसे नीचे से पकड़ूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिनिमल फ्लेक्स है और आप आसानी से इस कॉन्फ़िगरेशन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेफली। आप अगर इसके नीचे की साइड देखें तो ये एडजस्टेबल रबर बुश है, जिसे आप अगर पूरी तरह से आगे की तरफ ले तो ये रबर फिट हमें मिल जाता है, और इसे अगर हम पीछे ले तो ये एक मेटालिक स्पाइक दिया है जिससे कि हम इसे आसानी से ज़मीन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मोनोपॉड है और यहाँ पे उन्होंने हैंडल दिया है। आपको कुछ जगह के ऊपर काफ़ी फास्ट टेबल फ़ोटोज़ लेने हैं तो बहुत बार ट्राइपॉड अरेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत बार सर्फेसेस भी ऐसे नहीं रहते कि जिस पे ट्राइपॉड हम अच्छी तरह से स्टेबली खड़ी कर सके, तो इस टाइम पे मोनोपॉड काम में आती है कि आप इसके आसानी से लेग्स एक्सटेंड करके आप इमीडिएटली इसे खड़ा रख के आपका फ़ोटो को ले सकते हैं। अगर आप गिम्बल के साथ अलग अलग सिनेमेटिक शॉट्स लेना चाहते हो तो मोनोपॉड ये आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि गिम्बल के साथ कोई भी मोनोपॉड काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। इसमें आप क्रेन शॉट्स या आर्टिफिशियल ड्रोन शॉट्स या बहुत अलग अलग टाइप के सिनेमैटिक शॉट्स आसानी से ले सकते हैं। ये एंट्री लेवल मोनोपॉड है, काफ़ी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इसकी कीमत भी जस्ट 1000 रुपये ही है, तो 1000 रुपये के प्राइस के लिए इसकी बिल्ड काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास कोई मोबाइल होल्डर नहीं है तो ये आया हुआ मोबाइल होल्डर आप
इस तरह से आपके सेलफोन को इस पर लगा सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे क्वालिटी का सेलफोन होल्डर खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। ये काफ़ी फ्लिम्जी क्वालिटी का है, तो ये बात मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मोनोपॉड। तो दोस्तों चलिए अब हम हमारे दूसरे मोनोपॉड की तरफ देखते हैं। तो इसे देखें तो इसकी भी बिल्ड काफ़ी उसकी जैसी है, लेकिन लॉक्स थोड़े बड़े दिए हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर मोनोपॉड की वेट बेयरिंग कैपेसिटी 4 kg तक है, जबकि उसकी 3 kg ही है। लेकिन इसकी हाइट भी कम है, 57 इंचेस ही है, जबकि हमारा दूसरा 67 इंचेस मतलब 10 इंचेस से बड़ा है। इसकी अगर आप नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे हम चाहे तो ये रबर का लेग लगा सकते हैं। इसको स्पाइक नहीं है लेकिन रबर का लेग ज़रूर दिया है, और उसे बिल्कुल हमारी दूसरी मोनोपॉड जैसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रैप दी है, इसकी स्ट्रैप की भी क्वालिटी थोड़ी बेटर है। अगर आप इसे डायरेक्टली यूज़ करना चाहे तो आपको स्क्रू का कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3/8 इंच स्क्रू है। ये अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है, इसकी लिंक्स भी मैं नीचे दे दूंगा। ये आपको इसके ऊपर फिट करके आपका नॉर्मल DSLR कैमरा लगा सकते हैं। अगर हम इसे पूरी तरह से खोलें तो ये इसकी पूरी हाइट है, तो आप देख सकते हैं ये 10 इंचेस से छोटा है। इसकी अगर आप ये फ्लेक्स देखें इसके ऊपर DSLR लगाने का, तो काफ़ी कम फ्लेक्स है। मैं कहूँगा उस मोनोपॉड से भी काफ़ी कम फ्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे दोनों की क्वालिटी सेम ही है। इसकी हाइट छोटी होने की वजह से इसमें फ्लेक्स कम है। इसकी जो ग्रिप है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसी के साथ ये थोड़ी पतली भी है। तो अब हम इसे उसकी मेन अटैचमेंट लगाते हैं। यहाँ पे इसके साथ ये देखिए ये फ्लूइड हेड दिया है। इस फ्लूइड हेड को हमें ये हैंडल दिया है, ये इधर लगाना है। ये इस तरह से एक बार लगाने के बाद आप चाहे उस एंगल पे इसे एडजस्ट कीजिए। इधर इस प्रकार से खांचे दिए हैं, आप जिस एंगल में चाहे उस पे उसे सेट कर ले, और फिर आप जैसे ही ये स्क्रू को टाइट करते हो ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ये इसका हैंडल लग जाता है। इसके और एक खास बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ बबल लेवल दी है। ये बबल लेवल यहाँ पे होने की वजह से हम इसे काफ़ी इजीली सेंटर अलाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जिससे कि हमें परफेक्टली बैलेंस शॉट मिले। ये ऊपर की तरफ आप देखें तो इस तरह से अगर मैं इसे खींचूँ तो ये इसकी क्विक रिलीज प्लेट है। इस क्विक रिलीज प्लेट पे ये जो स्क्रू दिया है ये स्टैंडर्ड 1/4 इंच स्क्रू है। उसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड स्प्रिंग लोडेड लॉक भी है, और ये जो इसकी प्लेट दी है दोस्तों ये क्विक लॉक प्लेट है। बस इसे इस तरह से लगाए और प्रेस करें और ये लॉक हो जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम इस स्क्रू को खोलें तो इस तरह से ये टिल्ट एडजस्ट भी हम कर सकते हैं। ये फ्लूइड हेड को काफ़ी सारी एडजस्टमेंट उन्होंने दी है। उसी के साथ ये जो यहाँ पे स्क्रू है ये इसकी ये फ्लूइड हेड की मोशन के लिए दिया है। ये इसका स्क्रू अगर हम टाइट करें तो ये लॉक हो जाता है, और ये पूरी तरह से अगर हमने खोल दिया तो इस तरह से ये मूव होता है। तो इस पर्टिकुलर मोनोपॉड की इस हेड की वजह से अच्छी खासी कीमत बढ़ जाती है। तो फोटोग्राफी के लिए ये पर्टिकुलर मोनोपॉड काफ़ी अच्छी है। इससे आप बहुत अलग अलग शॉट्स क्लोजअप्स ले सकते हैं। उसी के साथ वीडियोग्राफी में ये एक पर्टिकुलर मोशन भी इसकी काफ़ी फ्लूइड है। इस तरह से प्लेट के नीचे ये हमें एक नॉच दिया है, जिसे पकड़ के हम आसानी से स्क्रू को लूज या टाइट कर सकते हैं। इस प्लेट को आप सीधी या आड़ी कैसी भी लगा सकते हैं, दोनों ही जगहों पे ये इस तरह से लॉक हो जाती है। तो आप चाहे उस ओरिएंटेशन में कैमरा को प्लेट लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अगर मैं इस पर DSLR भी लगाऊँ और मैं इसको इस तरह से छोड़ दूँ पूरी तरह से, तो ये देखिए काफ़ी स्लोली एक स्मूथ मोशन में हिल रहा है। ये इस फ्लूइड हेड की वजह से हो रहा है। दोस्तों इसकी और एक खासियत ये है कि अगर मुझे इसे ट्राइपॉड की तरह यूज़ करना है तो बस मैं ये नीचे का इसका रबर हेड निकाल सकता हूँ, और यहाँ पर उन्होंने ये जो ट्राइपॉड दी है ये मेटालिक ट्राइपॉड है और ये लॉक्स है उनको। ये इस तरह से खुलने के बाद लॉक हो जाती है, तो खुलने के बाद इसके लेग्स आप देख सकते हैं कि बंद नहीं होंगे,
तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पे नीचे उन्होंने ये मेटालिक रोटर दिया है, अगर आप इसे खोल दें तो आप इसे इस ट्राइपॉड पे लगाने के बाद भी आसानी से अलग अलग एंगल्स में फोटोज़ या वीडियोज़ ले सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको इसे अब ट्राइपॉड की तरह खड़ा रखना है इन छोटे लेग्स पे, तो आप इस स्क्रू को अगर इस तरह से पूरी तरह टाइट कर दें तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके साथ स्टेबल है। तो अगर मैं इसका सेकंड एक्सटेंशन भी खोल दूँ और इसे थोड़ा हिलाऊँ तो आप देख सकते हैं ये स्टेबली खड़ा रहता है। थर्ड एक्सटेंशन भी अगर हमने खोल दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो उसके बलबूते पे खड़ा रहता है, अच्छा खासा स्टेबल है। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे इंडोर से यूज़ करें, क्योंकि बाहर अगर हवा का झोंका आ गया ज़ोर से तो आपका कैमरा गिर ही सकता है। अगर ये इस साइड का रोटर खोले तो ये ऊपर से भी 360 डिग्री घूमता है। तो ये जो ऊपर का उन्होंने हेड दिया है, इस प्राइस पॉइंट के लिए तो काफ़ी फीचर रिच है और अच्छी तरह से बनाया गया है। प्लास्टिक का भले ही है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे मेटालिक स्प्रिंग लोडेड क्लिप्स है, उन्हें इस तरह से प्रेस करके सेंटर में हम अगर लाए तो ये उसके लेग्स फोल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी फीचर्स देखने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी एक्सेप्शनली अच्छी है, लेकिन 2500 रुपये के प्राइस पे जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स हमें इसके साथ मिल रही है वो मोर देन एक्सेप्टेबल है और इसकी क्वालिटी कुछ बुरी भी नहीं है। अगर आप मुझे पूछे तो इस पर्टिकुलर ट्राइपॉड की जगह ये पर्टिकुलर ट्राइपॉड काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है और इससे मैं बहुत अलग अलग चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो मैं इसके साथ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए ये दोनों मोनोपॉड हमें अगारो इस कंपनी ने रिव्यू के लिए भेजे हैं, लेकिन ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है ना ये पेड प्रमोशन है। इस वीडियो में दी गई सारी ओपिनियन मेरी खुद की है। अगर आप ऐसी ही अनबायस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।